ज्योति गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पाताल लोक बोलकर एक वेब सीरीज आया है अमेजन प्राइम वीडियो में। वहां पर जो मेन विलेन है विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी, वो चित्रकूट से बिलोंग करते हैं, पर चित्रकूट के बारे में और ज़्यादा कुछ बताया नहीं ये वेब सीरीज में। पर आप लोगों को जरूर जाना चाहिए, चित्रकूट बहुत एक सुंदर शहर और पौराणिक शहर है। वहाँ पर देखने में बहुत सारे चीज़ है, तो आप लोग क्या क्या चीज़ है उधर देखने में, उसी के बारे में ये वीडियो है। खैर, अब जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो रामघाट देखो, हनुमान धारा देखो, सीता रसोई खाओ, भरत मिलाप भी करा, लेकिन बिना परमिशन इधर उधर। चित्रकूट मध्य प्रदेश सांता डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और 280 किलोमीटर दूर अयोध्या से। ये माना जाते हैं श्री राम जी जब वनवास जा रहे थे तब सब मिलकर 2-3 दिन इधर चित्रकूट में ठहरे थे, और यहाँ पर ही श्री भरत जी आए थे और राम जी को मनाने का कोशिश कर रहे थे जे चलिए भैया आप चलिए, पिताजी का देहांत हो गया, आप राजपाट ले लीजिए। हाँ, यही जगह का नाम है भरत मिलाप, और इसी जगह पर भी भरत जी ने कोशिश कर रहे थे राम जी को मनाने के लिए जो आप वापस चले अयोध्या में। माना जाते श्री लक्ष्मण जी जब इधर ठहरे थे तब अपने हाथों से ये कुटीर बनाए थे, इसलिए इस कुटीर का नाम परम कुटीर। और ये कुटीर का दूसरे साइड में और एक मंदिर है, कामतानाथ मंदिर। ये कामतानाथ मंदिर श्री राम जी का दूसरा नाम है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप लोग जब इधर आएंगे ये स्पॉट मिस मत कीजिए। चारों तरफ जंगल पहाड़ों का घेरा ये जाएगा कदमगिरी पर्वत या कदमगिरी मंदिर। माना जाते श्री ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना कर रहे थे तब यहाँ आके हवन कर रहे थे, तो इसलिए ब्रह्मा जी के नाम पर भी यह कदमगिरी नाम हुआ है। एवं बहुत ही सुंदर ये जाएगा है, बहुत भक्तालु यहाँ आते हैं। ये है मंदाकिनी नदी। सीता मैया जब चित्रकूट में आए थे तब यही मंदाकिनी नदी में नहाए थे, इसलिए इसका नाम दिया गया है रामघाट। माना जाते जैसे गंगा में नहाने से आपका पाप धो जाते, ये मंदाकिनी रामघाट में भी नहाने से आपका पाप धो जाते, इसलिए साल भर हमेशा भक्तालु का भीड़ रहते हैं रामघाट में नहाने के लिए। बहुत ही सुंदर जगह है ये। ये है गुप्त गोदावरी। माना जाते श्री राम लक्ष्मण और माता सीता इधर भी ठहरे थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इधर एक पानी का स्रोत बहता है जो कभी नहीं सूखता है। देखिए कैसा ये पानी का बहाव है जो हमेशा पूरा साल भर रहता है। ये और एक छोटा सा पानी का जलधारा है, नाम है जानकी कुंड, माता सीता का नाम पर ही हुआ है। यह भी माना जाता है माता सीता आके इधर नहाए थे, इसलिए इसका नाम जानकी कुंड। ये है स्फोटिक शिला। माना जाते श्री राम और हनुमान जी का पैर का छाप इधर मिला है, देखिए। भरत जी जब चित्रकूट में आए थे साथ में 5 नदी का पानी भी लाए थे राम जी का अभिषेक करने के लिए, पर राम जी का अभिषेक नहीं हुआ तो वो पानी क्या करेंगे, सामने एक कुआं था उसमें ये 5 नदी का पानी डाल दिया है, इसलिए ये भारत कूप नाम दिया गया है। और यह साल भर पानी एकदम साफ रहता है और बहुत भक्तालु आते हैं ये पानी पीते। उन लोगों का मानना है अगर ये पानी पियेंगे तो आप सुस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे, अच्छा रहेंगे। ये है भरत कूप। ये है माता अनुसुआ आश्रम। वाल्मीकि के लेखन के अनुसार ये माना जाते चित्रकूट बहुत सूखा जा रहे थे, बहुत दिनों से बहुत सालों से बारिश नहीं हुआ थे, तब अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी का उत्पत्ति किया है माता अनुसार, इसलिए माता अनुसुआ के नाम पर ये आश्रम बनाया गया है। बहुत ही सुंदर ये चित्रकूट में वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। ये छोटा सा चित्रकूट के बारे में छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा जरूर मेरा ज्योति गैलेक्सी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मैं भी थोड़ा इंस्पायर होगा और भी छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ ज्योति गैलेक्सी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।